हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ एक केस स्टडी जो रिसेंटली जो भंडारा हॉस्पिटल महाराष्ट्र में घटना हुई थी उस पे मैंने एक केस स्टडी तैयार की है। और उसमें हम सीखेंगे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हाई डिड हैपेंड, ये क्यों हुआ था, और फॉल्ट एंड वीकनेस उसमें किसकी गलती थी, क्या कमजोरी थी, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो इस एक्सीडेंट को स्टडी करके आप क्या कर सकते हो अपने प्लांट के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। दोस्तों एक हॉस्पिटल जो है भंडारा हॉस्पिटल जो है महाराष्ट्र में है, वहाँ पे 9 जनवरी 2021 को सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह ही 10 न्यू बॉर्न जो है 10 जो नए जन्मे जैसे 3 महीने या 4 महीने के जो बच्चे थे वो मारे गए। किसके कारण दोस्तों? मैसिव फ्लेम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैसिव फ्लेम फ्लेम जो है आई और घुटन से 10 बच्चों की मौत हो गई। एक तरह से वो फायर थी जिसमें मैसिव फ्लेम निकला था। अब दोस्तों ये तो हो गया व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। अब देखते हैं कि व्हाई डिड हैपन, यह क्यों हुआ था। उसके लिए दोस्तों बताया जा रहा है, मेरे वीडियो बनाने तक तो कुछ भी सामने वैसे नहीं आया, बस लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुई थी जिसकी वजह से वायर जो है जलने लगे और वायर के जलने से मैसिव फ्लेम उत्पन्न हुआ और जो है ज़्यादा अमाउंट में धुआं और फ्लेम में हम बच्चे घुटन के वजह से मर गए और कुछ लोग वेंटिलेटर पे जो थे बच्चे उन्हें जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो एयर की सप्लाई थी वो कट हो गई, उसकी वजह से भी बच्चे मर गए थे। तो अब हम इसमें हम ये देखेंगे दोस्तों कि शॉर्ट सर्किट क्या होती है और कैसे ये डेंजरस है। दोस्तों शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए मैंने एक ये बैटरी कोई भी बैटरी ली है जिससे हम एक छोटा सा बल्ब जलाते हैं। जैसे आप छोटे छोटे रहे थे तो एक बैटरी लेते थे और एक जो छोटे वाले बल्ब होते थे उन्हें जलाने का कोशिश करते थे। तो सेम वैसे ही एक हमने बैटरी ली और बैटरी का ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट से एक कंडक्टर को और एक माइनस पॉइंट से एक कंडक्टर वायर को बल्ब के इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे हमने माइनस को और इस पॉइंट पे हमने प्लस को मैंने ऊपर से दिखा दिया है। जैसे ही जोड़ते थे हमारा बल्ब जलने लगता था। तो दोस्तों ये जो है अपनी लॉन्ग सर्किट है, एक तरह से आप कहेंगे कि ये लॉन्ग सर्किट है क्योंकि हमारी जो है यहाँ से वायर और यहाँ से वायर दोनों यहाँ पे जाके हमारे बल्ब के पास टच हो रही हैं और तब हमारा बल्ब जल रहा है, ये एक तरह से लॉन्ग सर्किट है। दोस्तों शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि इतने डिस्टेंस ना देके, जैसे ये हमारा कंडक्टर वन है, कंडक्टर टू है, कंडक्टर वायर वन, कंडक्टर वायर टू, तो यहीं से आप एक थर्ड कोई कंडक्टर एक लाके लगा दो तो जो इलेक्ट्रॉन जो करंट यहाँ से होके जा रही थी अब वो यहाँ से आके यहाँ पे मिलके मिल जाएगी, इस वायर में कनेक्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप जानते हो कि जो एल होता है किसी वायर की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेजिस्टेंस के, यानी कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही उसमें रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। रेजिस्टेंस मतलब कि करंट का रुकावट, यानी कि तार की लंबाई अधिक तो करंट की रुकावट भी अधिक होगी। तो उस रुकावट को कम करने के लिए हम जो है करंट को ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा करंट देते हैं ताकि हमारा जो रुकावट कम हो और हमारा इक्विपमेंट चल सके। यानी कि यहाँ पे जो है तार की तो लंबाई जो है पहले तो तार की लंबाई बढ़ी थी और उसके अपोजिट जितनी भी तार की लंबाई बढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने बल्ब को जलाने के लिए उतनी ही वोल्ट की बैटरी दी थी। लेकिन अब क्या है कि तार की लंबाई हमने छोटी कर दी और करंट जो है उतना ही देंगे, तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस जो है, जब एरिया हमारा सॉरी जब तार की लेंथ जो है कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम हो जाएगा लेकिन करंट उतना ही रहेगा। तो ज़्यादा करंट इसे मिल जाएगा, बल्ब को ज़्यादा करंट मिल जाएगा क्योंकि जो बल्ब को जलाने के लिए हमारी जो लाइन की ट्रेवलिंग थी लॉन्ग सर्किट से होके जा रही थी, तब जाके वो फिक्स अमाउंट में उसे
करंट मिलता था और वो इजीली जल जाते थे। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट हो गया, वो इसका पाथ छोटा हो गया, यानी कि लेंथ जो है वायर की कम हो गई और रेजिस्टेंस भी हमारा कम हो गया, लेकिन करंट जो है उतना ही है। तो वो जो है मैक्सिमम अमाउंट में हमारा करंट मिलेगा इक्विपमेंट को, और इक्विपमेंट तुरंत क्या हो जाएगा, जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और यहाँ पे जब ज़्यादा करंट पैदा होगा तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगी, हीट इवोल्यूट होगी, हीट भी जनरेट होगी, क्योंकि जितना भी करंट ज़्यादा होगा ओवर हीटिंग होगी, तो वहाँ पे हमारा हीट जनरेट होगी। और आप जानते हो फायर लगने के लिए बस तीन चीज़ चाहिए, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल का काम आपका केबल कर दिया, जो तार या केबल होता है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही है, और हीट आपकी ये शॉर्ट सर्किट ने हीट जनरेट कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लग गई। और आग उतनी स्ट्रोंग नहीं थी, वो एक ह्यूज अमाउंट में फ्लेम के रूप में बाहर आए, और जिसकी वजह से बच्चों का दम घुटा और वो मर गए। तो आपको ये शॉर्ट सर्किट भी पता चल गया कि क्या होता है। शॉर्ट सर्किट वही होता है दोस्तों कि अगर हमारा जो सर्किट हमने बनाया है वहाँ पे हम उसको बाईपास करके जो लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट कर दें तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। इसे और अच्छे से आप कहीं भी यूट्यूब पे और वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया कि व्हाई डिड हैपन, अब हम देखते हैं कि फॉल्ट या वीकनेस क्या थी, गलती क्या थी जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुई। दोस्तों शॉर्ट सर्किट की वजह तो स्पेसिफिक बताई नहीं गई, लेकिन मैं आपको वैसे ही शॉर्ट सर्किट की कुछ वजह बता दे रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। दोस्तों शॉर्ट सर्किट के दो कारण हैं, एक तो इंटरनल कॉज जिसे कहेंगे और एक एक्सटर्नल कॉज। इंटरनल कॉज में क्या होता है दोस्तों कि एजिंग ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन की एजिंग हो जाना, यानी कि जैसे कोई भी वायर है, वायर पे हम इंसुलेशन लगा देते हैं, जैसे ये इसके अंदर वायर है, वायर पे हमने क्या किया, इंसुलेशन लगा दिया, ये हमारी एक तरह से केबल के टाइप की, तो ये क्या है, इंसुलेशन है। अब दोस्तों ये 3 साल तक सही रहेगी, 4 साल तक सही रहेगी, 5 साल तक सही रहेगी, लेकिन 10 या 15 साल बाद इसकी एजिंग जो है, मतलब इंसुलेशन इसका डैमेज होने लगेगा, इंसुलेशन हट जाएगा और वहाँ पे हमारा जो वायर है दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वायर दिखना शुरू होगा वहाँ पे अगर एक जो है वाटर ड्रॉप या कुछ भी ऐसा गिरेगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट वो डेवलप करेगा। तो एक तो इसका ये रीज़न है कि जो आपका इंसुलेशन है वो डैमेज हो गया होगा मे बी, और दूसरा जो है शॉर्ट सर्किट का रीजन है वो लूज कनेक्शन है। लूज कनेक्शन में क्या होता है कि एक वायर जो है दूसरे वायर पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और तीसरा जो रीजन हो सकता है वो है कि ओवरलोडिंग या ओवर हीटिंग। जो ओवरलोडिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने कोई भी इक्विपमेंट लगाया है कि जो है, जैसे कोई पंप का एग्जांपल मैं लूँ तो पंप का जो 5 किलोवाट मोटर ले रही है, ये नॉर्मल 5 किलोवाट के एम्पियर की मोटर लेगी, लेकिन जब ये ओवरलोड होगी, पंप का डिस्चार्ज फुली खोल दो या कोई भी ऐसा रीजन दे दो, तो ये 5 की जगह पे 7 किलोवाट का एम्पियर लेने लगे, 7 किलोवाट मोटर जो है एम्पियर लेगी, तो उस केस में क्या होगा, ये ओवरलोड हो रही है। और जब ओवरलोड होगी तो हाई करंट लेगी, और हाई करंट लेगी तो हाई करंट जब चाहिए तो उस केस में हमारा ओवरहीटिंग होगी, और ओवरहीटिंग से हमारा इंसुलेशन भी डैमेज होगा, और इंसुलेशन डैमेज से हमारा स्पार्क हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ये तो हमारा 3 रीजन हो गया, एक तो या तो इंसुलेशन डैमेज हो गया हो, दूसरा लूज कनेक्शन, वायर का लूज कनेक्शन हो गया हो, और तीसरा ओवरलोडिंग हो गया हो। और नेक्स्ट है हमारा जो एक्सटर्नल रीजन, तो इसमें कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं था। एक्सटर्नल रीजन मैं आपको बस वैसे बता दे रहा हूँ कि एक्सटर्नल रीजन शॉर्ट सर्किट के कैसे हो सकते हैं। जैसे दोस्तों आंधी में पेड़ गिर जाते हैं, आंधी में क्या होता है कि बिजली के खंभे पे कोई पेड़ गिर जाता है, तो पेड़ जब कच्चा रहता है दोस्तों, तो आप जानते हो कि जो कच्चा पेड़ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कर सकते हैं, और उसमें क्योंकि वाटर
वाटर पार्टिकल वगैरह होते हैं, तो एक तरह से वो कंडक्टर का काम कर जाता है, और वो आके एकदम तार पे, दो तार पे, दो वायर पे जाके जैसे ही गिरेगा तो शॉर्ट सर्किट उसे भी कर देगा। जैसे ये वायर है यहाँ पे, अगर ये बिजली का पोल एक है और ये मतलब पोल का ये वायर नंबर वन है और वायर नंबर टू है, तो इस पे अगर पेड़ की कोई डाली, कच्ची डाली अगर गिर गई तो वो तुरंत इन दोनों के जो लॉन्ग सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देगी, मतलब शॉर्ट बना देगी, और इतने अमाउंट में यहाँ पे करंट पैदा होगा कि यहाँ पे तुरंत आग लग सकती है या बहुत बड़ा स्पार्क जनरेट हो सकता है। तो ये है दोस्तों कि क्या इसकी वीकनेस रही होगी या फॉल्ट क्या रहा होगा। और नेक्स्ट हमारा है जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है कि व्हाट कैन यू डू, आप अपने प्लांट के लिए क्या कर सकते हो। दोस्तों मेरा जो केस स्टडी बनाने का बस यही तात्पर्य है कि कोई भी इंसान हो वो बस दो तरीके से सीख सकता है, कुछ भी सीखना है तो दो तरीके से सीख सकता है, एक खुद की गलतियों से और एक दूसरे की गलतियों से। तो दोस्तों खुद की गलतियों से सीखेगा तो उसके लिए तो उसे शॉर्ट सर्किट कराना पड़ेगा, तब वो जाके सीखेगा क्या होता है क्या नहीं है, खुद अपना मकान वगैरह सब जलाना पड़ेगा तब जाके वो सीखेगा कि क्या होता है। एक होता है दूसरों की गलतियों को देखना, जैसे ये है इसको मैंने स्टडी कर लिया, मैं जान गया कि हाँ ऐसा अगर होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे मैंने जान गया कि यार अगर हमारे वायर का जो एजिंग है मतलब इंसुलेशन डैमेज हो रहा है तो उसे रिप्लेस कर देना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो हम अपने प्लांट में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो वायर है वो वहाँ उसका इंसुलेशन डैमेज है या कटा फिटा है तो उसे इम्प्रूव कराएंगे। दूसरा हम जान गए कि लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, हमेशा टाइट जो है वायर है टाइट होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम अपने प्लांट में देखेंगे कहाँ कहाँ वायर हैं जो लूज कनेक्शन है उनका, तो उसको भी सही कराएंगे। तीसरा जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उन्हें ओवरलोडिंग में नहीं चलाएंगे, नॉर्मल में चलाएंगे, और तो इस तरह हम अपने प्लांट को सेफ रख सकते हैं। मेरा यही पर्पज है कि आप दूसरों की गलतियों को देखो और उससे सीख लो और अपने प्लांट को सेफ रखो। आई होप आपको ये छोटा सा मेरा छोटा सा जो है केस स्टडी समझ में आया होगा, और अगर इसमें कुछ और गलती हो या कुछ और छूटा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।